सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन और एलिमेंट्स। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम्स के टाइप्स और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल प्रॉब्लम होता क्या है। तो सोशल प्रॉब्लम क्या होता है? सोशल प्रॉब्लम कोई भी वो कंडीशन होती है, सोशल प्रॉब्लम क्या है, कोई भी कंडीशन जो कि डेंजरस होती है, सोशल प्रॉब्लम कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेंजरस है। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए या फिर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसी कंडीशन जो कि डेंजरस है सोशल वेलफेयर के लिए या फिर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? सोशल वेलफेयर का मतलब सोसाइटी का वेलफेयर। तो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई भी कंडीशन जो कि डेंजरस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? तो जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं वो इसके रिस्पॉन्स में ये करते हैं कि वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या फिर पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि इस सोशल प्रॉब्लम को, जो सोशल प्रॉब्लम है इसको क्या किया जा सके? इरेडिकेट किया जा सके। इरेडिकेट, इरेडिकेट करने का मतलब होता है ख़त्म, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम वो कंडीशन होती हैं जो कि डेंजरस होती हैं सोशल वेलफेयर के लिए या फिर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए। और इसके लिए जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स या फिर ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो सोशल प्रॉब्लम को क्या कर सकें? इरेडिकेट कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा सोशल प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला एलिमेंट सोशल प्रॉब्लम का क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट होगा सोशल प्रॉब्लम का बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो सोशल प्रॉब्लम होती है वो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में क्या होती है? बैरियर होती है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अल्कोहलिज्म है। अल्कोहलिज्म ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो अल्कोहलिज्म है, जब एक इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं अल्कोहलिज्म। जब उसे मतलब एक तरीके से शराब की लत लग जाती है उसे हम कहते हैं अल्कोहलिज्म। जब भी अल्कोहलिज्म होता है तो वो एक तरीके से बैरियर बन जाता है उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरा होगा बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दूसरी चीज़ होगी कि जो सोशल प्रॉब्लम होगी वो बैरियर हो जाएगी सोसाइटी के लिए भी। इंडिविजुअल के लिए भी बैरियर है और सोसाइटी के लिए भी क्या है? बैरियर है। ठीक है, सोसाइटी के लिए कैसे बैरियर है? फॉर एग्जांपल जैसे क्राइम होता है। अब क्राइम को सॉल्व करने के लिए जो पुलिस है वो क्राइम को सॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये पुलिस क्या करेगी? क्राइम को सॉल्व करेगी। तो जो पुलिस और किसी अच्छे काम में लग सकती थी, ठीक है, जिसका कहीं और यूज़ हो सकता था, प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता था वो, या फिर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है जिसका और प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता था वो सब किस में लग जाएगी? क्राइम को सॉल्व करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से उनका डाइवर्जन हो जाएगा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से ये क्राइम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ये क्राइम ना होता तो जो फोर्स इसमें लग रही थी क्राइम को सॉल्व करने में वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज़ होती। ठीक है, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता, लेकिन क्योंकि अब क्राइम हो गया है तो सारी फोर्स जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है वो सब इसको मेंटेन करने में लग जाएगा क्राइम को। ठीक है, क्राइम को मतलब प्रिवेंट करने में लग जाएगा, इस वजह से जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट,
कि इसकी अवेयरनेस, अवेयरनेस तो सबको होती है सोशल प्रॉब्लम की, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउरी, डाउरी सबको पता है क्या होता है, ठीक है, दहेज प्रथा जो होती है। तो अब जब उसकी अवेयरनेस तो सबको है कि भाई डाउरी है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, जो लोग मना करते हैं कि भाई डाउरी नहीं लेनी चाहिए, वो खुद भी डाउरी लेते हैं, ठीक है ना। तो अवेयरनेस है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, हिंडरेंस, किस चीज में, अचीविंग गोल्स, जो सोसाइटी है वो अपने गोल्स जो उसको अचीव करने थे वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। तो ये सब था सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने टोटल दो चीज़ें पढ़ी, इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी उसके एलिमेंट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई सोशल प्रॉब्लम्स वो कंडीशन है जो कि डेंजरस होते हैं सोशल वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, ठीक है, और इसके लिए जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के वो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज चला सकते हैं ताकि उसको इरेडिकेट किया जा सके। फिर उसके बाद एलिमेंट्स में क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फिर जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अवेयरनेस सबको होती है लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, और ये क्या होता है, हिंड्रेंस होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल प्रॉब्लम्स को, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में और मेजर्स के किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।